अरे हे गाइस, हाय। फाइनली हम लोग आए। हाउ आर डूइंग गाइस? हाउ वाज दिवाली? ये तो पहले, हाउ वाज लाइफ? हाउ वाज दिवाली? दिवाली कैसी रही? हाय बेटा मानसी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? दिवाली कैसी रही? हाउ वाज दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? हाँ, मज़ा आ गया। तो हमारे घर में तो बेस्ट चीज़ वॉज काजू कतली। तो आई आई गॉट बोरिंग वाली दिवाली। अर्चना, ऐसा क्या हो गया? बड़ा बोरिंग क्यों हो गया आपकी दिवाली? मस्त, किसकी मस्त हुई? सुनिधि हवारे जी की मस्त हुई दिवाली। वेरी गुड, दिवाली वॉज धमाका। वेरी गुड तान्या का भी अच्छा हुआ। पटाखे, अच्छा पटाखे, बेटा पटाखा हुआ तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नॉर्थ में हो तो बहुत ही पोल्यूशन ज़्यादा है। नॉर्थ में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट एनी वेज गाइस, आज हम वन शॉट में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन करने वाले हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज ही हम कर लेंगे ABCD। वेरी गुड बेटा। तो आज बेटा, आज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत ही छोटा सा चैप्टर, इसमें बस चार पांच कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। और जो लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ा था, यस गाइस, लास्ट क्लास में क्या होता है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ा था ना, जो वो आज अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, मतलब हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था कि DNA को काटेंगे, है ना, उसको चिपकाएंगे, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, तो वो आज हम असली में करके देखेंगे कि रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ हमने अप्लाई करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, आप जब देखोगे ना, आप सोचोगे ना, आपको लगेगा वाह। और एंड में ना हम ये भी देखेंगे कि क्या कहते हैं कि हम लोग ये यूज क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था डिजाइनर बेबीज, तो ये डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? मतलब अभी देखो, देर आर फिल्थी रिच पीपल इन इंडिया, तो वाई आर दे नॉट गेटिंग द डिजाइनर बेबीज? ठीक है, उसके एथिकल इश्यूज क्या क्या है? अब कहोगे सर ये एथिकल क्या होता है? किसी को पता है एथिकल क्या होता है? किसी को पता है एथिक्स क्या होता है? एथिक्स पता है क्या होता है? हाँ, सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लेट, इट्स ओके बेटा चैतन्या, वी वर ऑल्सो लेट, होता रहता है। तो किसी को पता है ये क्या होता है, मतलब एथिक्स क्या होता है? एथिक्स बेटा, एथिक्स बेसिकली ये रूट वर्ड होता है ईथॉस। ईथॉस मीन्स कैरेक्टर, विच टेल्स अस ओके व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, एथिक्स क्या होता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो वी आर सेइंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स पे जेनेटिक इंजीनियरिंग रॉन्ग है, क्यों है? और कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग राइट है, तो राइट कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं कि सही है जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्योंकि हम ये वाली चीज पर ध्यान देंगे। बहुत ही अमेजिंग है गाइस, आपको आपको नहीं जानना कि जब ये सब पॉसिबल है तो हम करते क्यों नहीं है? जब हम जीन्स को काट कूट के बना सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक विंग्स लगा ले? पता चला अमृतसर को चाहिए विंग्स, अमृतसर गए, अमृतसर ने क्या करा, एक एक चमगादड़ वाले विंग्स लगा लिए और अमृतसर बन गए लूसीफर। यस, क्या कहते हो, है ना? तो क्यों नहीं करते हम लोग, ऐसा क्यों नहीं करते? और जिन जगहों पे हम करते हैं वो क्यों करते हैं, और उसका यूटिलिटी क्या है? ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टडी टुडे गाइस। एंड ट्रस्ट मी, इसको वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे। 99% आई एम श्योर कि इसको आज ही खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो लास्ट क्लास मैंने ये होमवर्क दिया था, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ अ DNA लिंक्ड इन द वेक्टर इज टर्म्ड। कॉपी नंबर मतलब कि कितने कॉपीज ऑफ माई DNA ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने विराट कोहली का जीन, क्रिकेटिंग वाला जीन निकाला था, है ना, क्रिकेटिंग वाला जीन निकाला था विराट कोहली का, तो वो वाला जीन उसके मैं कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाऊं कि जिससे कि मेरी पूरी की पूरी टीम विराट कोहली हो जाए, समझ रहे हो? तो कितनी कॉपी, जैसे कि आप जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स शॉप पे जाते हो, आप अंकल पूछते हो ना कि कितनी कॉपीज चाहिए, आप कहते हो अंकल 5, अंकल 100, 100 कॉपीज, 5 कॉपीज, 50 कॉपीज। तो लाइक वाइज, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यू वॉन्ट, तो दैट इज डिवाइडेड बाय द ओरी और द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, है इससे डिपेंड करती साइड होती है। दिस वाज द लास्ट क्लास, मैंने होमवर्क दिया था, तो अंजू सिंह जी ने आंसर करा था, थैंक यू बेटा अंजू। अंजू से सर ओरी साइड, थैंक यू फॉर अमेजिंग, थैंक यू बेटा अंजू। देन देयर इज लवली गर्ल, ओ माय गॉड, लवली गर्ल है क्लास में, बेटा हेलो सर, द सेशन वाज अमेजिंग एंड विश यू अ हैप्पी वेरी दिवाली, बेटा सेम टू यू, बेटा हैप्पी दिवाली टू यू। गाइस राइट योर ओरिजिनल नेम्स, ठीक है, आपके सही नाम लिखोगे ना तो हमें भी इंटरेक्ट करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, बट लाइक दैट्स कूल इफ यू वांट टू, लाइक जो भी आपको नाम रखना है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि देन देयर विल बी अ पर्सनल कनेक्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस। अच्छा, अब देखो, तो गाइस देखो, हम इसको यूज कर सकते हैं गाइस एग्रीकल्चर में, यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज दिस इन एग्रीकल्चर, यू लाइक सर हाउ, बट वी कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कैसे बेटा? हम लोग बना सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, वो वाले क्रॉप्स जो एक एकड़ में, पहले 1 एकड़ में
इट वॉज गिविंग मी 100 kgs. ठीक है, नाउ मैंने उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैंने उसमें जीन्स डाल दिए, उसमें मैंने हाई प्रोडक्टिव वाले जीन्स डाल दिए, तो नाउ इट इज गिविंग मी 500 kgs ऑफ राइस. कैन आई हैव इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. वी आर इंडिया, वी आर पुअर, लेकिन पॉवर्टी इज 20%. इंडिया में पॉवर्टी बहुत हाई है. ठीक है, मैं कहने वाला था इंडिया इज पुअर कंट्री, फिर पता चला मेरे पे केस हो जाता. तो 20% गाइस, 20% पॉवर्टी है इंडिया में. ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन 20% है. ठीक है, तो मतलब डेटा के साथ जाते हैं हम कि मतलब कोई पता चला केस हो गया अमृतसर पे, केस हो गया अमृतसर को पुलिस पकड़ के लेगी, तो क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगी ना, बायो कौन पढ़ाएगा फिर. तो मैं क्या कह रहा था, तो ठीक है, तो पॉवर्टी ज़्यादा इंडिया में. तो गाइज सी, वी नीड टू प्रोवाइड देम विद फूड. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो दिक्कत क्या है गाइज, उनको हमें फूड प्रोवाइड करना है. ठीक है, यू नो बाई 2050 में ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बाई 2025 इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, 4% लैंड है हमारे पास, 4% तो लैंड है, 17% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ऐसा ही कुछ है, 4% लैंड है वर्ल्ड का और 17% पॉपुलेशन लेके चलते हैं हम, समझ रहे हो. तो बहुत दिलदार लोग हैं, तो उनको लाइक वी आर पॉपुलस. ठीक है, तभी आई सी, जब भी मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाता हूँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है. रिप्रोडक्शन चैप्टर में इफ यू रिमेंबर देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हैं, बट जब काम की चीज़ पढ़ाते हैं तब नहीं आते. तो एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, वी नीड टू प्रोवाइड फॉर देयर फूड. उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी गाइस. इफ यू रिमेंबर व्हाट हैपेंस ना, व्हाट हैपेंड जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, 40% थी पॉवर्टी उस वक्त, 40-50%. तो इंडिया करता था अपना एग्रीकल्चर बहुत पीछे था, तो इंडिया करता था फूड क्रॉप्स इम्पोर्ट करता था, यूएसए. ठीक है, फिर क्या हुआ, अराउंड 1962 में इंडिया का वॉर वगैरह हुआ, चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 में, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ. उस वक्त क्या करा इंडिया में ना, ड्रॉट हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा भी पड़ गया. एट दैट टाइम, एट क्रूशियल मोमेंट, यूएस सेड हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे. यूएस बोला कि भैया हम आपको अनाज नहीं देंगे. इंडियन वाले कहते अच्छा अब क्या करें, अब हम भूखे मरेंगे. आर यू गेटिंग अ पॉइंट. तो इंडिया वॉज लाइक यू नो वेरी प्रेशराइज्ड एट दैट मोमेंट. तो उस वक्त हमारा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, इफ यू गाइज रिमेंबर, है ना, एम एस स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हम लोगों ने मॉडर्न मशीन्स यूज करनी शुरू करी. हमने फिलीपीन से मंगाए हाई यील्ड वैरायटी राइस, मेक्सिको से मंगाए हमने हाई यील्ड वैरायटी वीट, वीट और राइस हमने मंगाया हाई यील्ड वाली. हाई यील्ड मतलब जिनकी प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, फिर हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, हमने ट्रैक्टर्स यूज़ करे, इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करी. फिर हमारा गाइस प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एंड टुडे इन 2020 व्हाट आर वी डूइंग गाइस, वी आर इंपोर्टिंग आल्सो, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना अनाज एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट तो हम हो गए. इट हैपेंड इन 1965, ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड अराउंड 1965. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इतने स्मार्ट बच्चे हम लोग, हम इंडिया मतलब हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग, समझ रहे हो, द पावर ऑफ हिंदुस्तानी. तो वैसा हो गया, तो ये सब हो गया चीजें. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन तो अब हम ऊपर उठ गए. अब क्या कह रहे हैं हम, अब हम कह रहे हैं कि अब भैया हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, अब हम एक और लेवल ऊपर जाएंगे. नाउ वी आर गोना गो वन लेवल फर्दर. अब क्या कर रहे हैं हम, राइस में विटामिन ए डाल रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पुटिंग विटामिन ए इन आवर राइस. ये हमारा राइस का प्लांट है. अब हमारा, हमारे इंडिया में माल नरिशमेंट भी बहुत ज्यादा है. क्या है गाइस, माल न्यूट्रिशन और नरिशमेंट इज हाई. ठीक है, माल न्यूट्रिशन इज हाई. अब मैं क्या करूंगा, अब हर किसी को विटामिन देने की जगह व्हाट विल आई डू, आई विल पुट द डीएनए ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए रिच राइस. ये वाले डीएनए मैं वीट प्लांट में डाल दूंगा, राइस में डाल दूंगा, पैडी में डाल दूंगा. अब जो राइस निकलेगा वो भी विटामिन ए रिच. कैन यू इमेजिन, मतलब वो वाला राइस जिसमें विटामिन ए है. ठीक है, राइस में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए रिच राइस बना दिया मैंने. ठीक है, तो ऑल दिस आई एम डूइंग. तो गाइस दिस आर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में व्हाट कैन आई डू, आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, आई कैन डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पे. ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, विटामिन ए रिच राइस.
ठीक है, वेरी गुड. देन देयर गाइस एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं. बायोरेमेडिएशन मतलब मान लो पेट्रोल फैल गया, यू वुड हैव हर्ड ऑयल स्पिल हो जाता है ओशन में. ओशन में ऑयल स्पिल मतलब गाइस क्या होता है, जो टैंकर विच इज कैरिंग द ऑयल, द टैंकर विच इज कैरिंग द ऑयल, इट बर्स्ट ऑफ एंड रिलीजेस द ऑयल. अब वो ऑयल गाइस इट इज वेरी बैड फॉर द ओशन का इकोसिस्टम. फिशेस वगैरह मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना. तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए आई कैन यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो कि ऑयल को खाते हैं. मतलब ऐसे बैक्टीरिया विच ईट ऑयल एंड दे विल क्लियर बायो रेमेडी, बायोलॉजिकल रेमेडी. आई एम बायोलॉजिकली क्लीनिंग द ओशन वाटर. ठीक है, तो ये सब भी कर सकता हूँ. हेल्थ केयर में एज आई सेड इंसुलिन बनाता हूँ मैं. क्या बनाता हूँ? मेडिसिन. इंसुलिन बनाता हूँ, आई कैन मेक इंसुलिन, आई कैन मेक एंटीबायोटिक्स, है ना. मैं ये सब चीज़ें बना सकता हूँ. एंटीबायोटिक्स मतलब किलिंग द बैक्टीरिया. नो देन इंडस्ट्रीज में तो यू नो इट, है ना. इंडस्ट्रीज में ब्रेड ये सब में भी यूज हो सकता है. आई कैन यूज फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो. इंसुलिन का इंडस्ट्री में ही बनती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है. ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है. तो यू कैन गाइस देयर आर न्यूमरस यूजेस यू कैन नॉट इवन इमेजिन. ओके सर, समझ आ गया ये क्यों पढ़ रहे हैं. अब देखो, अब बेटा एक चीज होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक होता है GMO. व्हाट इज दिस GMO? PMO नहीं, GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज मी. ठीक है, दिस इज विराट कोहली. I put Virat Kohli's gene inside me, then I will become a GMO. What will I become? I will become genetically modified organism. Are you getting my point? ठीक है. Similarly, this is plant. If I put vitamin A वाला gene into the plant, what will this plant become? This plant will become GMO, genetically modified plant or genetically modified organism. ठीक है, so ऐसे ही है कुछ भी. ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. ठीक है बेटा, यू नो देर आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गे विच आर यूज फॉर मेकिंग बायोफ्यूल्स. आप बता सकते हो बायोफ्यूल्स, एल्गा को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके उससे फ्यूल्स बनाते हैं. फ्यूचर में जब पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो जाएगा ना, तब हम ये चीज़ें यूज करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, वेरी गुड वेरी गुड. तो वॉट आर वी डूइंग गाइज, वॉट कैन आई डू इन GMO? अरे बेटा, वॉट कैन आई डू इन GMO? देखो, आई कैन मेक दैम टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस. मतलब देखो बेटा, कुछ कॉर्न्स होते हैं, देर आर सम कॉर्न्स. कॉर्न मतलब भुट्टा, विच कैन ग्रो इन, देर आर सम कॉर्न्स विच कैन ग्रो इन, यस गाइस, ड्रॉट, लेस वाटर कंडीशन. कुछ लेस वाटर कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, है ना. इनका जीन उठा के मैंने ऐसे भुट्टे में डाल दिया, भुट्टा इज इन कॉर्न में डाल दिया, विच gives me high number of corn, मतलब more yield, high number of corns, high yield रख लो. तो now what will happen guys, this will give me high yield also, also it is drought resistance, it will need less water, drought resistant. समझ पा रहे हो? तो ऐसा होगा, very good. तो moving forward, अरे यार कोई बात नहीं. तो रेड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. अभी हम ना बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अमेजिंग है. बीटी कॉटन का देखना आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है, कि वो कैसे हमें पेस्टिसाइड यूज करने से रोकता है. पेस्टिसाइड क्या होता है? केमिकल्स फॉर किलिंग पेस्ट. ठीक है, अगर हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे तो पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ऐसा भी कर सकते हैं हम. ठीक है, रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. मतलब हार्वेस्ट होने के बाद भी हमारे पास लॉस हो जाता है क्योंकि चूहे वूहे आके खा जाते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू स्टोर देम. तो वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं. इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ यूसेज, मिनरल यूसेज भी हो सकता है ना बेटा. वेरी गुड. देन एनहांस्ड न्यूट्रिशनल, मतलब विटामिन ए भी ऐड कर सकते हैं. वेरी गुड, तो हम ये सब कर सकते हैं. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो एज आई सेड, यू कैन हैव अ टेलर मेड प्लांट फॉर योर रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि गाइस इंडिया का अगर आप देखोगे, इंडिया हैज अ वास्ट वास्ट व्हाट शुड आई से क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी. नॉर्थ में अलग टेम्परेचर, नॉर्थ में भी ठंडी हो रही है, बैंगलोर में अभी इतनी ठंडी नहीं है. नॉर्थ में देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम विंटर्स, सॉरी समर्स, वेयर एज साउथ साइड में देयर इज मॉडरेट टेम्परेचर. इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, देयर विल बी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. वेस्ट में जाओगे अलग कंडीशंस है. ठीक है, तो यू कैन हैव अ टेलर मेड प्लांट्स, है ना, जो कि आप यूज कर सकते हो. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, मेन चीज गाइस, अभी फंक्शनल क्या है इंडिया में,
इंडिया में फंक्शनल क्या है? फंक्शनल बेटा मेनली हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स यूज करते हैं। आपने सुना होगा बीटी कॉटन, किसने सुना है बीटी कॉटन के बारे में? किसने सुना है बीटी कॉटन के बारे में? यस, किसने सुना, किसने नहीं सुना, कोई बात नहीं, देखते। तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो वेदांतु कॉल एनसीईआरटी 11th एंड 12th चैनल, वी आर गोना कवर दिस एंटायर कोर्स ओवर हियर। एंड यस गाइस, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। एंड यस, वी हैव प्रो सब्सक्रिप्शन। अब प्रो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है गाइस, देयर वी विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग इन वेरी मच डिटेल, ठीक है? देयर यू कैन आस्क डाउट्स एंड एज आई से व्हाट हैपेंस ओवर देयर इज यू कैन हैव अ स्ट्रांग बेस ओवर देयर। द कोर्सेज आर गाइस, यू कैन गेट अ 3 month कोर्स एट 53 rupees पर डे, वेरी अफोर्डेबल गाइस। 53 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब आता है, ठीक है? तो माइंड देयर। एंड डिस्काउंटेड प्राइस गाइस 7,800 rupees का है इफ यू टेक अ 6 month कोर्स, ओके? दिवाली पे 50% ऑफ था, अभी 20% हो गया। द कोड इज गाइस ARA प्रो, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बेटा? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब ये बहुत ही अमेजिंग है, अब देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल अमेजिंग सी चीज है बेटा। देखो बैसिलस थुरिंजियंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है? अब है, हम है फार्मर, हम है इंडिया का फार्मर, आई एम अ फार्मर। इमेजिन आई एम अ फार्मर, मैं कॉटन का प्लांट लगाता था, ये एक वर्म आता था, यह है कॉटन बॉलवर्म, यह है हमारे फ्रेंड कॉटन बॉलवर्म। क्या है इनका नाम? कॉटन बॉलवर्म, ठीक है? यह है कॉटन बॉल वर्म, ठीक है? यह है बड़े शैतान, यह है हम है पुअर फार्मर, हमने लगाया कॉटन का प्लांट। ये क्या करता है? ये इसको खा जाता है, ये बड़ा शैतान कॉटन बॉलवर्म क्या करता है? ये खा जाता है हमारे कॉटन के प्लांट को। हमने कहा अच्छा, अब क्या करें? अब हमें पता चला, वी गॉट टू नो कि देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैसिलस थुरिंजियंसिस, थुरिंजियंसिस है ना बेटा, बैसिलस थुरिंजियंसिस, ठीक है? ये बैक्टीरिया है। हमें पता चला दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच कैन किल अवर फ्रेंड कॉटन बॉलवर्म। व्हाट डिड वी गेट टू नो? देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैसिलस थुरिंजियंसिस विच कैन किल द प्रोटीन कॉटन बॉलवर्म। हमने कहा अच्छा, व्हाट डिड वी डू? टेल मी, तो हमने क्या करा होगा? व्हाट वी वुड हैव डन ऑन दिस? टेल मी, what sorcery we would have done? So this is BT. I am saying, अब ये है हमारा normal cotton, अब ये है cotton. अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ कौन सा वाला cotton? इसको मैं बनाना चाहता हूँ BT cotton, ठीक है? ये हमारा पहले था cotton, अब ये बन जाएगा BT cotton. कैसे बनेगा ये BT cotton? इसका ये जो protein वाला gene है ना बेटा, I will take the protein वाला gene and I will put it in my cotton. My cotton plant will become happy. My cotton plant will be like, achha, ab aake khake dikhao. So, are you getting my point? What is happening here? Yes. Are you getting my point? Now, my normal cotton plant has become BT cotton plant. Ab normal cotton plant ho gaya hamara BT cotton. Ab BT cotton kya karta hai? It produces the same protein which kills my friend cotton bollworm. इस पूरे प्रोसेस में only one person is harmed, that is this cotton bollworm. It was happy, now it has become sad bollworm. It was happy bollworm in the beginning, now it has become sad bollworm. ठीक है, very good sir, very good. Now sir, but see this gene of the BT which I am using is called as cry gene. It is called as what gene? It is called as cry gene. It is making hamara bollworm beta cry. It is called as cry gene, which is making bollworm cry. ठीक है, बेचारे को cry करा रहा है, इसका नाम है cry gene. सही में cry gene है. Actually, its name is cry gene. ठीक है, now you have got it. Very good. So what did we learn? We learned, भैया, there is a cotton plant. Cotton का enemy है bollworm. Bollworm आता है, cotton खा जाता है. ठीक है, फिर हमें पता चला कि भैया एक है बैसिलस थुरिंजियंसिस नाम का बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच कैन
kill the cotton bollworm. ठीक है, and it does not have any tsetse. ठीक है बेटा, very good. अब बेटा, you need to understand one thing. The protein which is formed ना, this protein is inactive. जब ये cotton में होता है तो ये inactive होता है, but as soon as it reaches the stomach, स्टमक में हमारे कॉटन बॉलवर्म के एल्कलाइन मीडियम होता है. व्हाट्स द मीडियम इन द कॉटन बॉलवर्म? एल्कलाइन मीडियम. दिस एल्कलाइन मीडियम एक्टिवेट्स, कन्वर्ट्स दिस इनएक्टिवेटेड प्रोटीन इनटू एक्टिव प्रोटीन, एंड बेचारे कॉटन बॉलवर्म के पेट में होल्स हो जाते हैं. तो कॉटन के बॉलवर्म के पेट में होल्स हो जाते हैं एंड द कॉटन बॉलवर्म बेचारा डाइज. मतलब थोड़ा सैड हो गया ज्यादा, बट ही डिजर्व्स इट. कॉटन बॉलवर्म डिजर्व्स इट. और कुछ खाओ, हमारा कॉटन क्यों खा रहे हो? तो बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी. हमारा कॉटन खाओगे तो वी वोंट फॉरगिव यू. तो गाइस, लाइकवाइज इफ यू कैन सी लाइकवाइज देयर एग्जिस्ट बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न भी है, राइस भी है बीटी, टोमेटो भी बीटी है, पोटेटो भी बीटी है, सोयाबीन भी बीटी है. ठीक है, सब बीटी है, बट इंडिया में बस कॉटन अलाउड है. इंडिया में बस बीटी कॉटन अलाउड है ना, बट ये सब अलाउड नहीं है. दीज ऑल आर नॉट अलाउड. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? एवरीथिंग इज बीटी अवेलेबल, बट ऑन इन इंडिया ओनली बीटी कॉटन इज अलाउड. यस, व्हाई? जनता जवाब चाहती है, तानिया खंडेलवाल जवाब चाहती हैं, ऋषिका जी जवाब चाहती हैं, विवेक शाह भी चाहते हैं जवाब दो भैया सर. कोई अपना कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब देना चाहेगा? कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल देख करके जवाब देना चाहेगा? ब्रिंजाल भी है, बीटी ब्रिंजाल पे तो केस कर दिया था. बीटी ब्रिंजाल, देयर वाज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट कि व्हाई वी शुड कल्टीवेट इट और नॉट, बिकॉज वी ईट इट. एग्जैक्टली, सुनिधि हवारे जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कराया और उन्होंने कहा है कि सर, क्योंकि देखो कॉटन को तो हम नहीं खाते, कॉटन को वी डू नॉट ईट, बट बीटी कॉर्न राइस टोमेटो पोटेटो सोयाबीन तो वी ईट. पता चला ये कॉटन बॉलवर्म की जगह, पता चला टुमारो वी आर क्राइंग, हमारे पेट में होल हो गए, राइट? तो देर माइट बी अ प्रॉब्लम ऑन दिस. यस, बट गाइस दैट इज नॉट द रियल रीजन. एक्चुअल रीजन आई टेल यू. देखो बीटी कॉटन तो दे ग्रो, बट एक्चुअली वॉट हैपन्स ना, सी वेन यू आर प्लेइंग विद द डीएनए, सी When we are playing with the DNA, you guys know कि DNA बहुत ही छोटा थोड़ा थोड़ा change होके over the millions of years, over the gap of millions of years evolution होता है. Yes or no? Little changes get accumulated over millions of years and they lead to evolution. And what are we doing over here? हम क्या कर रहे हैं? हम God की तरह play कर रहे हैं. We are introducing it artificially. ठीक है? तो this artificial introduction might have yes guys, नेगेटिव इंपैक्ट इन द लॉन्ग रन. हमारे पास डेटा कितना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कब से शुरू हुआ है? 50 साल, 100 साल रख लो, लेट्स से 100 ईयर्स रख लो. ठीक है, 100 ईयर्स रख लो, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो इमेजिन देखो होता क्या है, जब एवोल्यूशन होता है ना, तो जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं दे गेट एलिमिनेटेड. द अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स दे कीप ऑन गेटिंग एलिमिनेटेड. हियर व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट गिविंग द चांस for the nature to eliminate the bad genes. Are you getting my point? Yes. So this is very bad. पता चला थोड़ा 100 years के बाद पता चला पूंछ निकल गई. जिस बच्चे ने बीटी टोमेटो खाया उसकी पूंछ निकल गई तो दिक्कत आ जाएगी ना. तो there'll be problem. वैसी राइट, आई एम गेटिंग माई पॉइंट. अगर अच्छा भी हो सकता है, पता है जिसने बीटी सोयाबीन खाया उसकी विंग्स निकल गई है ना, वो बच्चे उड़ रहे हैं, उन्होंने कहा अब हम देंगे नहीं एग्जाम, हमें नहीं देना एग्जाम, हम हैं परिंदे, अब हम नादान परिंदे, हम उड़ेंगे. तो दीज ऑल आर द गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, यू डू नॉट नो वॉट कॉम्प्लिकेशन इट माइट कॉज इन फ्यूचर. ठीक है, बट अगर आप देखोगे, अब इसको यूज करने के भी बहुत ज्यादा प्रोज हैं कि सम साइंटिस्ट से वी शुड यूज इट. ठीक है, व्हाई? बिकॉज देखो इट विल हेल्प अस टू मीट द फूड शॉर्टेजेस. गाइस अफ्रीका वगैरह में फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है. इंडिया में अभी तो वी आर स्टिल सर्वाइविंग, बट देयर विल बी सम डे.
एंड अगर आप यूरोप देखोगे, यूएसए में देखोगे, सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन एंड अदर क्रॉप्स आर ग्रोन, खुले में ग्रो कर रहे हैं और खुले में खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, दे आर ग्रोइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। तो बस इंडिया थोड़ा डरा हुआ है, तो देयर इज अ ह्यूज डिबेट ऑन दिस वेदर वी शुड ईट इट और नॉट, बट यूएस यूरोप में इट इज हैपनिंग, दे आर ईटिंग ऑल्सो, ठीक है। इंडिया में भी हो जाता है, इंडिया में भी मना करते हैं, बट इट इज हैपनिंग, देर आर रिपोर्ट्स, ठीक है, वेरी गुड। तो बैसिलस थुरिंजियस एज आई टोल्ड यू, है बेटा, बीटी टॉक्सिन, व्हाट डू वी कॉल दैट जीन एज गाइस, बीटी टॉक्सिन जीन, ऑल्सो कॉल्ड एज क्राई जीन, प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू द इंसेक्ट, इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू माई कॉटन प्लांट अगेंस्ट द पेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। नाउ गाइस, बीटी कॉटन मतलब ये किस किस से बचा होता है, इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, है ना, और कोलियोप्टेरन्स, बीटल्स, डाइप्टेरन्स, फ्लाइज, मस्कीटो, इन सबसे। सो मतलब कैसी, इट्स अ गुड जीन, इट इज प्रोवाइडिंग मी रेसिस्टेंस अगेंस्ट दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट, तीन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट से मेरे को बचाता है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डाइप्टेरन्स, प्टेरन्स प्टेरन्स याद कर लो, कोलियो, लेपिड और डिप, ठीक है। Why am I telling you? This is given in the book, ठीक है, एनसीईआरटी में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो what did I tell you guys? Crystal containing toxic insecticidal protein, insecticidal, killing the insect, insecticidal means killing the insect वाला protein, ठीक है बेटा, very good, as I told you, ठीक है बेटा, it's a pro-toxin, pro मतलब it is in inactive form, आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, आ गया। तो गाइस, व्हाट डिड आई टेल यू, आई टोल्ड यू, तो दिस इज माय प्लांट, दिस इज माय प्लांट, दिस इज माय प्लांट, व्हाट डिड आई डू, आई इंट्रोड्यूस्ड द इंसेक्टिसाइडल जीन और बीटी टॉक्सिन जीन, I introduce a BT toxin gene into the plant, into the plant. Now guys, see, it is a protoxin. It is inactive form of BT toxin. See, when I introduce here, तो इसमें crystals बनते हैं, इसमें BT toxin होता है, but it is in inactive form. What is it? It is in inactive form. But जैसे ही bollworm eats it, due to alkaline pH of the gut, it has to be converted into BT on insect ingest. When insect eats it, it gets converted into active form of BT toxin. ठीक है बेटा, protoxin inactive form of BT toxin है ना, due to alkaline pH of the gut. pH gut में क्या होता है? Alkaline होता है ना? वो जो crystals होते हैं, वो घुल जाते हैं. Here there were what? Inactive crystals were produced. Toxin के crystals होते थे. अब इसके पेट में crystal solubilize होके बेचारा हमारा bollworm मर जाता है. हमारा बॉलवर्म डाइस, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नाउ एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियम, मिडगट मतलब यहां पे मिडगट, ये यार गट मतलब होता है पेट और इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वाला रीजन, क्रिएट पोर्स, होल्स हो जाते हैं और बेचारा मर जाता है, स्वेलिंग, लाइसिस होके बेचारा मर जाता है। आगे देखो, डिस्ट्रॉयड बाय द कॉटन बॉलवर्म, अ फुली मैच्योर कॉटन बॉल, ऐसा होता है, देखो ये डिस्ट्रॉय, ये खा जाता है बेचारा, देख रहे, कैन यू सी दैट, इट इज ईटिंग इट अवे, हियर इट इज सर्वाइविंग, वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू गाइस, देखो कौन सा जीन कौन सा होता है, इट इज क्राई जीन, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ क्राई जीन, ठीक है गाइस, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय गाइस व्हाट, अ क्राई जीन, ठीक है, क्राई 1AC एंड 2AB प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, कॉटन के लिए होता है, क्राई 1AB इज फॉर कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर मतलब जो कॉर्न और भुट्टा होता है, भुट्टा, यू नो भुट्टा, कॉर्न कैसे बताएं, कॉर्न को क्या कहते हैं, भुट्टा, यू नो भुट्टा गाइस, भुट्टा, कॉर्न, यस बेटा, हीमन मान, यू नो भुट्टा, हीमन मान, भुट्टा, कॉर्न, है ना बेटा, तो इट इज यूज फॉर कॉर्न बोरर, क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, गाइस द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, दे माइट गिव इट टू यू, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, दे माइट गिव इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, ठीक है, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, नीट ऑल्सो गाइज, नीट, ट्रस्ट मी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन विल कम इन नीट, ठीक है, दीज आर द स्पेसिफिकेशन विच यू नीड टू फोकस इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द बिग बिग। हाँ देखो, सिमरन ठाकुर ने भुट्टे का इमेज डाला है, तो दैट इज भुट्टा, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस। अब देखो, अब आप कहोगे सर
ठीक है सर, समझ आ गया। अब एक और टेक्निक, ये तो हमें समझ आ गया, बीटी कॉटन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेरी गुड। तो देखा हमारा बीटी कॉटन क्या था, हमारा बीटी कॉटन था जीएमओ। व्हाट वाज द बीटी कॉटन? इट वाज जीएमओ, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखना चाहते हो क्या? आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का? क्या आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हो? पहले बताओ। हाँ जी सर, देखना चाहते हैं। हाँ जी सर। तो गाइज लाइक द वीडियो, आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो। लाइक द वीडियो, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? ओ वी कॉल इट जोला इन आर लैंग्वेज, जोला। ओके बेटा, जोला, हाँ जोला खाते हैं। अब देखो, अब दूसरा, अब गाइस एक और है। ये तो हमने देखा कि एक चीज हो गया, दिस वॉज आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, लेट अस सी, वी विल टॉक अबाउट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब एक और है, एक और शैतान है, पहले था कोटन बॉलवर्म, अब एक शैतान है मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया। आप कहोगे सर इसका नाम कैसे याद करें? बेटा याद करना पड़ेगा, आप इसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दिस, मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया, इट्स अ वर्म, निमेटोडा, इट्स अ वर्म। अब ये क्या करता है? अब मैं हूं, व्हाट एम आई नाउ? आई एम अ टोबैको प्लांटर, टोबैको फार्म का प्लांटर हूं। ये है मेरा टोबैको का प्लांट, ये है मेरे टोबैको प्लांट के रूट्स। अब क्या होता है बेटा, ये जो वर्म है निमेटोडा, ये है आ गया निमेटोडा फिर से। What does it do? It destroys my tobacco plant. This is my tobacco plant. This is my tobacco plant. It is destroying my tobacco plant. फिर से मुझे आया गुस्सा, अब आ गया मुझे फिर से गुस्सा। अब मैंने कहा ये कैसे, तुमने ऐसा क्यों किया? So what did I do, guys? What will I do is I will make my tobacco plant resistant. ठीक है? What? Okay, sir. Now, what am I going to do is, guys, I am going to use a process called as RNA. Yes, guys, interference technique. What am I going to do? I am going to use an RNA interference technique. RNA interference. Ab, guys, do you guys know what is central dogma? आपको पता है central dogma क्या होता है? आपको सर ये क्या है? ये कौन सा dog है? हमने तो नहीं सुना central dog के बारे में. I will tell you, बेटा central dog क्या होता है? देखो, there is something called a central dogma, बेटा। आपने कभी सोचा है? आपने कभी सोचा है कि यार ये DNA, सर कह रहे हैं DNA से ये बन जाता है, सर कह रहे हैं DNA से वो बन जाता है, but how is this made? How is this DNA made? बेटा I'll tell you, DNA पता क्या करता है? देखो, imagine this is my cell, है ना बेटा? This is my cell, है ना बेटा? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? गाइस यू वुड हैव हर्ड दिस, यू वुड हैव हर्ड दिस कि क्या कहते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। सुना है आपने? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, सुना है आप लोगों ने? सुना होगा, है ना बेटा? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके सर, अब ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड है ना बेटा, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एनीथिंग, इंसुलिन, एंजाइम इज अ प्रोटीन, हार्मोन इज अ प्रोटीन, जो भी आपकी बॉडी में एनीथिंग इज मेड, दैट्स अ प्रोटीन। एनीथिंग व्हिच इज मेड इन योर बॉडी, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है? तो लेट अस सी कि हाउ प्रोटीन इज मेड, ठीक है बेटा? एंड यू नो व्हाट इज अ राइबोसोम? राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। हु मेक्स राइबोसोम गाइस? राइबोसोम कौन बनाता है? सॉरी, हु मेक्स प्रोटीन्स? राइबोसोम कौन बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। हाँ जी सर, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, हमें पता चल गया। अब बेटा देखो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। मैंने क्या कहा था? डीएनए इज लाइक अ मैप, डीएनए इज लाइक अ मैप, जिसको देख के इफ आई हैव टू मेक से मस्कल बनाने, मेरे को बनाना है मस्कल, तो मैंने क्या करा, मुझे प्रोटीन्स बनाने हैं, है ना? प्रोटीन्स बनाने हैं, तो अब राइबोसोम इज लाइक अ वर्कर, राइबोसोम इज लाइक अ वर्कर, इसको आप मैप दोगे तो ये हमारा मस्कल बना देगा, प्रोटीन्स बना देगा, ठीक है? इट विल मेक अ प्रोटीन। अच्छा सर, ठीक है। अब बेटा बस इसमें ध्यान से देखो, सी अब क्या होगा? तो क्या यहां पे मतलब सारे लेबर घूम रही है? दीज आर द लेबर, दीज आर राइबोसोम्स रोमिंग हियर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। तो गाइस टेल मी, क्या एवरी टाइम, सी दिस डीएनए कंसिस्ट ऑफ द एंटायर बॉडी का मैप, मतलब एक पूरी रेसिपी की बुक है आपके पास, एक पूरी रेसिपी की बुक है।
मुझे उसमें से बस बिरयानी बनानी है, मुझे क्या बनाना है, मुझे बस बिरयानी बनानी है, तो क्या मैं पूरी बुक ले लेके जाऊंगा किचन में कि बिरयानी बनाओ, बिरयानी बनाऊंगा मैं? नहीं ना. व्हाट विल आई डू? आई विल मेक अ कॉपी ऑफ द बिरयानी वाला पेज एंड टेक इट टू माई किचन. यस ऑर नो? डू यू अग्री? आई हैव टू मेक अ बिरयानी. पूरा पूरा का पूरा वो बुक लेके थोड़ी ना भागूंगा, रेसिपी बुक. इससे अच्छा तरीका क्या है? आई विल जस्ट कॉपी द बिरयानी वाला पेज और उसका बिरयानी बना लेंगे. ठीक है. तो गाइस द एंटायर डीएनए इज लाइक, इमेजिन द एंटायर डीएनए इज लाइक द बिग रेसिपी बुक. आउट ऑफ दैट आई नीड टू मेक ओनली बिरयानी, तो आई नीड टू मेक से ओनली मस्कल वाला प्रोटीन. ठीक है. और से क्राई वाला प्रोटीन मान लेते हैं, मस्कल रख लेते हैं. ठीक है. तो गाइस इंस्टेड ऑफ टेलिंग सेंडिंग द एंटायर डीएनए, व्हाट डू आई सेंड? डीएनए क्या बनाता है? अपना एक आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए. आपने सुना होगा एमआरएनए करते रहते होंगे, कभी पता ही नहीं चला कि ये एमआरएनए होता क्या है. एमआरएनए करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चला लाइफ में कि एमआरएनए क्या है. अब बेटा जो राइबोसोमवा है हमारा, ये जो राइबोसोमवा है ये क्या करता है? ये इसको रीड करता है और हमारा बिरयानी बनाता है और प्रोटीन बनाता है. यस, इजंट इट अमेजिंग? यस बेटा आरिश, इजंट इट अमेजिंग? राइबोसोम ने रीड करा है एमआरएनए को और भराया प्रोटीन. ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग. क्योंकि सर तो अमेजिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या ही अमेजिंग है. तो कुछ अमेजिंग नहीं लग रहा. अमेजिंग लगा कि नहीं लगा? हाँ, मैसेंजर आरएनए होता है बेटा. अमेजिंग लगा कि नहीं लगा? अभी हम जब मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको और समझ आएगा. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो नाउ लेट अस सी अगेन. तो मैं जो सेंट्रल डॉगमा कह रहा था, जनरली होता गया ना बेटा, इन्फॉर्मेशन कैसे पास होती है देखो. हमेशा जब भी मेरे सेल को कोई प्रोटीन बनाना होता है तो डीएनए क्या करता है? डीएनए एक आरएनए बनाता है और आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है. आरएनए को कौन रीड करता है? राइबोसोम रीड करता है. क्योंकि राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ना, हमने पढ़ा है राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. दे विल रीड द आरएनए एंड मेक द प्रोटीन. डीएनए विल नॉट कम ऑल द टाइम. यस यस बेटा, ज्योति मिश्रा समझ आया आपको? बेटा करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को हम अपडेट. गुड. अब देखो अब क्या होता है बेटा. देखो अब मानो मेरी बात को. देखो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, डीएनए होता है जनरली डबल स्टैंडर्ड, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है. अब मानो मेरी बातों को, अब सुनो. अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं आरएनए को इंटरफियर करने वाला हूं. व्हाट एम आई गोना डू? आई एम गोना इंटरफियर विद माय आरएनए. तो गाइस व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि आई विल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बाय हाईजैकिंग दिस, बाय इंटरफियरिंग हियर. मतलब इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करने दूंगा, इसको मैं प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा. और मान लो ये प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज दिस प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मेलाइडोगाइने, कि अगर ये प्रोटीन अब नहीं बनेगा तो द मेलाइडोगाइने विल डाई ऑटोमेटिकली. समझ पा रहे हो? इट्स अ इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन इट्स लाइफ. तो मैंने क्या किया? मैंने आरएनए पे इंटरफियर कर दिया, तो इट इज नॉट एबल टू मेक अ इंपॉर्टेंट प्रोटीन नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल. नाउ इट विल डाई इन दिस केस. I hope you're understanding. That is RNA interference, using RNA interference to produce a pest resistant crop. RNA interference to produce a pest resistance crop. देखें एक और बात देखें. देखो बेटा, it reduces grain, मतलब हमारे उसके crop को बहुत ही कम कर देता है. ठीक है बेटा. What do I do? RNA interference I am using, है ना बेटा. तो देखते हैं कैसा होता है. As a cellular defense mechanism. What am I doing? है ना बेटा. I am silencing. What am I doing? मैं साइलेंस कर रहा हूं इसके एक एम आर एन ए को, मैसेंजर आर एन ए को साइलेंस कर रहा हूं. आई एम साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एम आर एन ए बाई कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एम आर एन ए. मतलब देखो मैंने क्या किया, इजी सब्जेक्ट में समझा दूं. है बेटा बेटा आर एन ए इज रिबो न्यूक्लिक एसिड, डी एन ए इज डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड. आर एन ए इज रिबो न्यूक्लिक एसिड, डी NH deoxyribonucleic. अब देखो, what am I doing? I am gonna block. बेटा RNA क्या होता है? RNA भी ऐसी कोड होता है, ATCG. T की जगह बस U होता है यहाँ पे. तो RNA भी कोड ही होता है. तो what am I gonna do? मैं इसको block कर दूँगा. इसके इसको मैं silence कर दूँगा. I will
कन्वर्ट इट इनटू अ डीएनए, है ना, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ डीएनए, ठीक है, तो दिस विल बिकम साइलेंस एंड इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, आई एम साइलेंसिंग द आरएनए, ठीक है। अब कैसे कर रहा हूं, अब देखो इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अब इसमें क्या करते बेटा, व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम इन द प्लांट, मैं अपने टोबैको प्लांट में, ऐसा जीन डाल देता हूं, जो कि एक ऐसा डीएनए बनाता है, मतलब इसके सेल्स में ऐसा डीएनए बनता है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, तो जैसे ही हमारा मेलाइडोगाइने इसको खाता है, मेलाइडोगाइने आया टोबैको वाला खाने के लिए, इसको खाने के लिए उसने खाया, तो क्या हुआ, एज सून एज इट गेट्स इनटू द बॉडी इट विल ब्रेक एंड इट विल गो एंड साइलेंस द एमआरएनए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इस बेटा, भावेश समझ आया बात को, डिड यू अंडरस्टैंड, यस। नाउ द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जिसने साइलेंस करा, जो आरएनए जाके साइलेंस करा, वो कहां से ला सकता हूं, मैं वायरस से ला सकता हूं, ठीक है, मैं उसको ट्रांसपोजोन्स दैट आर रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, मतलब मैं उसको लैब में बना सकता हूं, आई कैन मेक दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, है ना, इन द लैब यूजिंग वायरसेस और ट्रांसपोजोन्स, बेटा अलग एक तरह के मटेरियल होता है, जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, उसको यूज करके बना सकता हूं, मैं उसको Yes, guys, क्या करता हूं, उसको ब्लॉक कर सकता हूं, ठीक है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आगे चलते हैं, यस या सेम थिंग गाइस, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन दिया मैंने, ठीक है, इसमें से मैंने डीएनए हटाया और जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, इसमें क्या किया मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करा, इसमें से निकाला जीन ऑफ, देखो याद है, हमने लास्ट क्लास में याद करा था, हमने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का हम जीन यूज कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग, मतलब फॉर ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, अरे बाबा टाइम हो गया यार, टाइम बहुत जल्दी निकलता है, ऐसे कैसे होता है, तो क्या हुआ, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, देन व्हाट डिड आई डू, आई पुट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर, फिर इसको मैंने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा, बैक्टीरिया में इसकी कॉपीज बनाई, ठीक है, देन यस गाइस, इसको मैंने प्लांट के सेल के अंदर डाला और इस सेल से मैंने प्लांट ग्रो कर लिया, है ना बेटा, देखो मैंने क्या करा, बैक्टीरिया से प्लास्मिड निकाला, इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके ये वाला पार्ट निकाला और अपना वाला पार्ट डाल दिया, अपना वाला डीएनए डाल दिया, फिर इसको मैंने वापस बैक्टीरिया में डाला उसकी कॉपीज बनाने के लिए मल्टीपल, जब कॉपीज बन गई, है ना, फिर मैंने क्या करा, इसका जो टीडीएनए है इसको मैंने प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये प्लांट मेरा ऐसा हो गया, यस बेटा मैं तो पढ़ा दूं पूरा, बट मेरी जो बाकी की क्लासेस है ना, मेरी क्लास होती है एक्चुअली 7 o'clock, तो आई हैव टू डू दैट आल्सो, है बेटा, तो व्हाट एम आई यूजिंग गाइस, व्हाट एम आई यूजिंग ओवर हियर, आई एम यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, है ना, टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट प्लांट, तो मैं प्लांट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करता हूं, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यूजिंग द वेक्टर दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वेक्टर, याद है गाइस, लास्ट क्लास में याद है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट गाइस, द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट फॉरगेट द नेम्स, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, है ना बेटा, यस, तो यस गाइस इंट्रोडक्शन, या तो एग्रोबैक्टीरियम क्या करा मैंने, एग्रोबैक्टीरियम वाला जो क्या कहते हैं प्लास्मिड यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, जो निमेटोड को मारने के लिए जीन्स हैं, मैंने टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने क्या करा आप टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना बेटा, अब क्या हुआ, जैसे ही वो जीन्स टोबैको प्लांट में गया, फिर क्या हुआ गाइस, क्या हो गया, इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, बापू को सर ये सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए क्या है, बेटा देखो जो डीएनए होता है ना उसमें ना दो एंड होते हैं, एक होता है 5' एंड होता है 3' एंड, एक होता है 3' एंड और 5' एंड, मतलब 5' और 3' एंड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, 5' एंड और 3' एंड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेंस एंड एंटी सेंस, वो हम देखेंगे जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे ना, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, है ना बेटा, वेरी गुड, तो अभी अभी जस्ट अंडरस्टैंड करो कि आई इंट्रोड्यूस्ड नेमेटोड स्पेसिफिक जीन यूजिंग वॉट, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड, मतलब उसने आरएनए बनाया, दीस आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड
आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब इन जो जो आरएनए बना यहाँ पे, इसने क्या करा, आरएनए इंटरफेरेंस वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप कहोगे सर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है किसी को लगा कि सर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है, ये आरएनए क्या है, ये डीएनए क्या है, हमें यही समझ नहीं आ रहा। यस देखो बेटा, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज इट, ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए बेटा, आरएनए इज रिबो न्यूक्लिक एसिड, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, देखो जो पेंटोज शुगर का फर्क होता है, आपको याद है मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, मैंने ये बताया था। यस गाइस मैंने ये बताया था, डू यू गाइस रिमेंबर दिस। बेटा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सीरिबो होता है, यहां पे ना दो ओएच ग्रुप्स होते हैं, वेरास रिबो न्यूक्लिक एसिड में भी न्यूक्लियोटाइड होता है बट यहां पे दो ओएच ग्रुप होते हैं, दो अल्कोहल ग्रुप होते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे नाइट्रोजन, दिस इज द मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ग्रुप, यहां पे दो ओएच ग्रुप है, यहां पे बस एक ओएच ग्रुप होता है, ठीक है, दैट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज रिबोन्यूक्लिक एसिड। यस यस, तो ये फर्क होता है। जनरली हमें लगता है कि डीएनए, बेटा देखो होता क्या है ना, हमें लगता है कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, मतलब डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होगा, जनरली होता ये है, बट देयर डू एग्जिस्ट डबल स्टैंडर्ड आरएनए आल्सो एंड देयर डू एग्जिस्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने बताया ना बेसिक फर्क क्या है, मेन फर्क होता है पेंटोज शुगर का, मेन फर्क होता है पेंटोज शुगर का, किसको मैं डीएनए करूंगा कहूंगा कि आरएनए। यस गाइस आर यू टू अंडरस्टैंड, द बेसिक डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ द पेंटोज शुगर, व्हाट पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट, देयर एग्जिस्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए आल्सो, बट मेजरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना बेटा। देन डीएनए आर जनरली डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होते हैं बट उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। यस वेरी गुड, है ना बेटा। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि टू, मतलब अब मैं कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए चले जाता है। अब ध्यान से देखो, अब ये स्टेटमेंट कह रहा है, द स्टेटमेंट इज देयर इन द बुक, इट सेज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना बेटा। दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए व्हेन गोस इनटू द बॉडी ऑफ द नेमेटोडा, दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए गोस इनटू द बॉडी ऑफ द नेमेटोडा, इट ब्रेक्स इनटू आरएनए, समझ पा रहे हो, ये अंदर जाके ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स एंड दिस साइलेंस इज द प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ द मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया, है ना बेटा, तभी वो टूटता है। द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, है ना, बिकॉज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस एंड द प्लांट, हमारा प्लांट जो टोबैको प्लांट था, ट्रांजेनिक प्लांट था, इट इज प्रोटेक्टेड। यस यस गाइस समझ आया, देखो इट लुक्स लाइक दिस, जब उसमें ट्यूमर हो जाता है टोबैको के प्लांट में, जब ट्यूमर हो जाता है इट लुक्स लाइक दिस, बट जब हम उसको उसमें जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस, तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना बेटा। तो दिस इज होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रिगर्स द प्रोटेक्शन, जो जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन, जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, इट हैज बिकम यस गाइस प्रोटेक्टेड लाइक दिस, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स रूट्स 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नोवल, में मतलब ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, ये देखो ये इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइज आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, है ना, अभी बस इंसुलिन बचा है, ठीक है, एंड एडी डेफिशिएंसी वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड डायग्नोसिस बचा है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन गाइज, ठीक है, ये तो होमवर्क क्वेश्चन। यस, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जो फ्रैगमेंट्स कटे हुए होते हैं दे कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट। यस गाइस बेटा मुझे तो पढ़ाने का बहुत मन है,
मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो लग रहा है बस 5 मिनट हुए हैं। ट्रस्ट मी आई हैव अ फीलिंग कि इट इज़ जस्ट 5 or 10 minutes। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर फीलिंग, आई फील इट्स जस्ट 10-15 मिनट्स। या यार बहुत बढ़िया बच्चे यार, तुम लोग कह रहे हो पढ़ाओ पढ़ाओ। मैं जब होता था ना स्कूल में, मैं तो कहता था मत पढ़ाओ, बस 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 हमें जाने दो, माफ़ कर दो। तो वो दैट इज माई फीलिंग गाइस, कि मतलब लाइक आई गेस दिस इज द फन ऑफ क्लासेस, मतलब मज़ा आना चाहिए। आई गेस दैट इज द व्हेन यू डोंट रियलाइज टाइम इज पासिंग, दैट इज द रियल क्लास। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वाह वाह भैया वाह, क्या मज़ा आया। नो बेटा, यू गाइज आर गुड स्टूडेंट्स, दैट इज माई सी एवरी डे आई कम एंड आई टीच, एंड आई टीच विद सेम एंथुजियाज्म बिकॉज यू गाइज आर रियली यू नो, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इन द क्लास 11th और 12th ऑल्सो, बट या दैट फील्स गुड कि हाँ यू गाइज वॉन्ट टू लर्न। एंड माई पर्पज इज ऑल्सो गाइज, मेरा पर्पज यही है कि मतलब ना कि एक बार देखो, मेरे को आती है 9th, 10th, 11th, 12th की बायो, ठीक है, आई नो दिस बायो कम्प्लीटली, तो आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट वंस ऑन यूट्यूब कि ताकि मतलब कभी भी कोई पढ़ना चाहे ना तो ही और शी कैन स्टडी, ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा। तो लाइक इफ दे सी मी, मतलब दैट्स द होल एम ऑफ माइंड, कि मतलब एक बार डाल दूँ बस, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th का कंटेंट ऑलमोस्ट आ जाए, बस यूट्यूब पे आ जाए, बाकी पढ़ते रहेंगे बच्चे फिर, है ना। आई नो गाइज, तो गाइज दिस इज बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे, यू कैन स्टडी विद अस, है ना बेटा। यस, यू कैन यूज द कोड ARAPRO टू गेट 20% डिस्काउंट, एंड यस गाइज द क्लासेज आर देयर। ओप्सी, वही आंसर देख लिया क्या तुम लोगों ने इस गाइस? तो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जस्ट गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन राइट टू मी एट omrit.raj@vedanta.com। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड डेफिनेटली आई एम तो वेरी होप श्योर कि हम पूरा कोर्स खत्म करेंगे 11th का भी 12th का भी बाय जनवरी, आई एम वेरी होपफुल। तो कीप स्माइलिंग गाइस, कीप स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, तो मैं भी आपके कमेंट्स देखूंगा, एंड कीप स्माइलिंग गाइज, एंड स्टे अमेजिंग, स्टे रॉकिंग, आई सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।